निशांत, आज हम अपना सेशन लेके आए हैं। बेसिकली अभी सिक्स्थ गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग हुई है, सिक्स्थ मीटिंग हुई है गवर्निंग काउंसिल की, नीति आयोग की, जिसको हेड किया है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, और जो भी उन्होंने कहा है, ठीक है, स्टेट्स को लेकर, स्टेट को कैसे काम करना चाहिए, और 75th एनिवर्सरी हमारे देश की आने वाली है, तो 75th ईयर में, जो हमारा इंडिपेंडेंस का 75th ईयर है, उसमें हम क्या क्या करने वाले हैं और वो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, उसके बारे में डिस्कशन किया गया है। ठीक है, जितना भी इन्होंने कहा है, समझिए इनकी स्पीच है, मैंने इनकी स्पीच खुद सुनी थी, तो उनकी स्पीच में जो जो इनके वर्ड्स थे वही मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है, अपने मन से मैंने कुछ ऐड नहीं किया है, जो इनके वर्ड्स थे वही मैं आपके लिए लेके आया हूँ। एंड अंडरस्टैंड, सिंस जब कोई प्रधानमंत्री किसी देश का कुछ बोलता है, या इस खासकर इंडिया में, तो वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो समय खराब नहीं करते हैं और सीधे अपने जो है क्लास में आगे बढ़ते हैं। जो मुझे नहीं जानते हैं, मेरा नाम है निशांत मिनाली। ठीक है, मैं डेली बेसिस पे हिंदू का एनालिसिस करता हूँ। ठीक है, प्लस जो है जो भी करंट टॉपिक्स होते हैं जो कि रिलेवेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको मैं आपके सामने एक इजी वे से प्रोड्यूस या प्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो क्या है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने शनिवार को सिक्स्थ मीटिंग, नरेंद्र मोदी जी ने शनिवार को आपकी सिक्स्थ मीटिंग जो है उसमें क्या किया है, अब गवर्निंग काउंसिल की, जो नीति आयोग की है, उसको वाया वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा जो है उसमें जो उन्होंने भाग लिया था। ठीक है, अब मीटिंग के कुछ एजेंडे थे, ठीक है, मीटिंग के कुछ एजेंडे थे, वो क्या क्या थे, एक था सर आपका एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में बात उन्होंने की है। ठीक है, ये एजेंडे मीटिंग जो मोदी जी ने बोला उससे पहले ये एजेंडे जो है डिसाइड हो गए थे। तो पहला था एग्रीकल्चर, ठीक है, दूसरा था सर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, तीसरा था आपका मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, चौथा था आपका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है, पांचवा था सर्विस डिलीवरी एट द ग्रास रूट लेवल, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड छठा है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। ठीक है, ये छह आपके, एक दो तीन चार पांच, छह आपके कह सकते हैं एजेंडे थे, इनको हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी एजेंडे हमने डिस्कस करिए हैं, क्या क्या एजेंडे हैं, और इस मीटिंग में सर भाग किसने लिया, द गवर्निंग काउंसिल प्रेजेंट्स अ प्लेटफॉर्म टू डिस्कस इंटरसेक्टोरल, इंटर डिपार्टमेंटल एंड फेडरल इश्यूज, जो कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में होते हैं। ठीक है, पीएम मोदी साहब ने इसको जो है हेड किया, चीफ मिनिस्टर्स थे स्टेट्स के एंड यूनियन टेरिटरीज के, विथ लेजिस्लेचर्स एंड ल्यूटिनेंट गवर्नर्स ऑफ अदर यूनियन टेरिटरीज, ये सब इसमें थे। इस बार पहली बार जो है एंट्री ऑफ लद्दाख था फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, जो कि इस मीटिंग में उन्होंने भाग लिया है। चलिए सर, ये तो कुछ फैक्ट्स हैं, ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो ये देखिए, ये पेपर की कटिंग है, तो इसमें देखिए क्या है, एजेंडे क्या है, इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनाना है, इन शॉर्ट हम बात कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत की। ठीक है, एग्रीकल्चरल को हमें क्या करना है, रीइमेजिनिंग करना है, मतलब एग्रीकल्चरल को हमें कुछ सुधार लाना है, जितना भी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी में बेस करना है, तो इंप्रूविंग फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हमें करना है, एक्सेलरेटिंग ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, ह्यूमन को रिसोर्स के तौर पर यूज करना, एक बच्चा है, एक बच्चा ह्यूमन है लेकिन वो रिसोर्स नहीं है, जब तक वो पढ़ाई नहीं कर लेता वो इस देश के काम नहीं आ पाएगा। हाँ, कहीं ना कहीं से कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं किसी भी किसी तरीके से वो काम आ सकता है, लेकिन अगर उसको ह्यूमन को एक रिसोर्स के तौर पे बनाना है तो उसको पढ़ाई करवाना जरूरी है, तो वही होता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है, ग्रास रूट लेवल की बात की है, बहुत अच्छी चीज कही इन्होंने, ग्रास रूट लेवल की इन्होंने बात की है, एंड देन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की इन्होंने बात की है। ठीक है, तो कोई पूछे कि इस मीटिंग के छह एजेंडे क्या थे, ये आपको पता होने चाहिए, इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, एग्रीकल्चरल में कुछ चेंज लाने हैं, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको चेंज करना है, ह्यूमन को ह्यूमन रिसोर्स बनाना है, एंड इंप्रूविंग सर्विस डिलीवरी, मतलब ग्रास रूट लेवल तक हमें जो है अपना लोगों को ऊपर उठाना है, और हेल्थ की हम तो बात करते ही हैं, सिंस कोरोना से अभी हम बाहर आए हैं। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं मोदी जी की स्पीच की, इन्होंने शुरू में क्या कहा, इन्होंने कहा कि हमारे देश में कॉपरेटिव फेडरलिज्म होना चाहिए। ठीक है, इसको शायद हिंदी में हम संघवाद बोलते हैं। ठीक है, चाहे वो स्टेट हो और सेंटर हो, देखिए अगर सेंटर कोई स्कीम लागू करता है, स्टेट उसकी हेल्प नहीं करता, तो वो लागू नहीं हो पाएगी,
इसका सिंपल सा एग्जाम्पल है सर, एक घर में हम पहले की बात करते हैं, सास और बहू में बहुत नोकझोंक रहती थी, ठीक है, लेकिन सुप्रीम कौन है? सुप्रीम है सास, बहू तो घर में नहीं आई है, तो सुप्रीम हो गई सास। अब अगर देखिए अल्टीमेटली जो पावर ऑफ अथॉरिटी है वो सास है, लेकिन अगर बहू सास के कुछ डिसीजंस को रोकना चाहेगी तो वो अंदर ही अंदर जो है कुछ साजिश रच के जो सास के डिसीजन है उसे अच्छी तरह इंप्लीमेंट नहीं होने देगी। जो हमारी सास है, सास का डिसीजन इंप्लीमेंट कब होगा? जब बहू सास के साथ मिलकर काम करेगी। यही केस हो गया सेंटर और स्टेट में। सेंटर है हेड ऑफ द कंट्री, जो कंट्री को चलाता है, स्टेट जो है वो एक छोटे से राज्य को चलाता है, स्टेट गवर्नमेंट। सेंटर सुप्रीम अथॉरिटी है अल्टीमेटली, लेकिन अगर स्टेट सेंटर की कुछ स्कीम्स लागू नहीं करना चाहेगा तो कहीं ना कहीं सेंटर की वो स्कीम उतनी कह सकते हैं उतनी इफेक्टिव नहीं रहेगी। तो इसलिए इन्होंने हमेशा कहा है कि हमारे देश की नींव, जो हमारा देश इतना प्रोग्रेस कर रहा है उसकी नींव जो रखी जाएगी वो रखी जाएगी कॉपरेटिव फेडरलिज्म, मतलब आपसी संघवाद, किसके बीच में? स्टेट्स के बीच में। किसके बीच में? स्टेट्स के बीच में। इन्होंने ये भी कहा है इसके आगे कि सेंटर और स्टेट्स के बीच में तो संवाद हमें करना है, और जो कि हम करते हुए आ रहे हैं, तभी हम लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने कहा जो ये संवाद है, जो ये फेडरलिज्म है, ये सेंटर से स्टेट और स्टेट से हमें इसे कहां ले जाना है? स्टेट से हमें इसे ले जाना है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। समझ में आया? कोई स्कीम है सेंटर ने लागू की है, स्टेट में वो आ गई है, स्टेट ने जो है सेंटर का ख्याल रखा है, ध्यान दिया है सेंटर की बात का, और स्कीम को अपने स्टेट में लागू कर दिया है। लेकिन लेकिन अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल, वही बात हो गई, यहां पर स्टेट सुप्रीम है, एक स्टेट, ये स्टेट की बाउंड्री है, इसमें स्टेट सुप्रीम है, डिस्ट्रिक्ट नीचे है, तो स्टेट की स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स हैं उनका जो है अच्छा वो होना चाहिए, बॉन्डिंग होनी चाहिए किसके साथ में? स्टेट के साथ में। तो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के बीच में भी जो है आपसी संवाद होना चाहिए। तो पहला क्या है वर्ड, अपना कैचिंग वर्ड क्या है? वो है कॉपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक है। इन्होंने दूसरा कहा, जैसा कि आप देख सकते हैं ये संघवाद जो होता है, कॉपरेटिव फेडरलिज्म जो होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके लिए। तो कॉपरेटिव फेडरलिज्म होता है, इसका हमने उदाहरण देखा है कहां पर? हमने इसका उदाहरण देखा है कोरोना पे, जब पूरी दुनिया हमसे कह रही थी कि इंडिया की इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इंडिया इस महामारी या इस बीमारी को कैसे कंट्रोल कर पाएगा, तब हमने दिखाया कि द रियल कॉपरेटिव फेडरलिज्म होता क्या है। सेंटर की बातों का स्टेट ने रिस्पेक्ट की, जो सेंटर ने आदेश दिए वो स्टेट्स ने अपने इंडिविजुअल, जो स्टेट्स होते हैं अपने इंडिविजुअल स्टेट्स में उनको लागू किया गया, और देखिए आज हम कहाँ हैं। कोरोना हमारे वहां कोरोना पीक ऑलरेडी ओवर हो चुका है, एंड डे बाय डे कोरोना के केसेस जो है वो नीचे आ रहे हैं, ठीक है। तो दूसरी बात मैंने एग्जाम्पल दिया कि हमने कोरोना में कैसे कॉपरेटिव फेडरलिज्म का जो है हमने एक उदाहरण प्रस्तुत किया और हमने साथ मिलकर काम किया, ठीक है, दो चीजें हो गई सर। तीसरी चीज क्या है सर? फिर इन्होंने एक और चीज कही, इन्होंने कहा इसके बाद इन्होंने एक चीज कही कि जो स्लाइड दीजिए, इन्होंने कहा जो हम लोग हैं अब 75th मीटिंग, 75th जो है ईयर इंडिया का होने वाला है, और उसके चक्कर में ये जो जनरल काउंसिल की जो मीटिंग है ये और भी इम्पोर्टेंट हो जाती है, ठीक है। 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है इंडिया का होने वाला है, एंड देन उसके जो है इसके मौके पे जो ये जनरल काउंसिल की मीटिंग है ये और भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। और इन्होंने इंडिविजुअल स्टेट से कहा, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव थे, उनको वाया वीडियो कॉन्फ्रेंस कहा कि 75 ईयर्स के आयोजन पे आप अपने स्टेट्स में कुछ अच्छा फेस्टिवल रखिए, लोगों को जागरूक कीजिए। इन्होंने जो है स्टेट से जो है रिक्वेस्ट की है, ठीक है। फिर इन्होंने कहा हमने अभी तक गरीबों को एम्पावर किया है। एम्पावर कैसे किया है सर? इन्होंने कहा हमने गरीबों को एम्पावर किया है। अब बात होती है कि गरीबों को एम्पावर इन्होंने कैसे किया है, इसके बारे में देखते हैं। चाहे वो बात करते हैं फ्री बैंक अकाउंट की, ठीक है, या वो बात करते हैं फ्री बैंक अकाउंट की, या ये बात कर रहे हैं फ्री इम्यूनाइजेशन की, जो फ्री टीका लगाते हैं हम, या ये बात करते हैं फ्री गैस की, जो हम गैस बांटते हैं फ्री में, या फिर वो बात करते हैं फ्री हेल्थ की, जैसे हमने कौन सा मिशन हम यूज कर रहे हैं फ्री हेल्थ में, ये भी उसका नाम क्या है, आयुष्मान भारत, जो हम फ्री हेल्थ प्रोवाइड कर रहे हैं कुछ लो लेवल के लोगों को, या जो लो मिडिल क्लास, जो लो गरीब लोग हैं 40% नीचे तक के, उनको हम फ्री हेल्थ प्रोवाइड करते हैं, 5 लाख का इंश्योरेंस देते हैं उन्हें अलॉन्ग विद द फैमिली, या फिर हम बात करते हैं फ्री टॉयलेट की या फ्री सैनिटेशन की। तो देश ने या सरकार ने, इन्होंने किसी इंडिविजुअल सरकार की बात नहीं की है, इन्होंने 75 ईयर तक हमने गरीबों को फ्री बैंक अकाउंट दिए हैं, फ्री टीका लगवाए हैं,
फ्री गैस कनेक्शन दिए हैं, हेल्थ को हमने फ्री करने की कोशिश की है और हमने लोगों को फ्री टॉयलेट्स दी हैं। इससे क्या हुआ है, गरीबों की लाइफ में चेंज आया है, गरीबों की लाइफ में इससे क्या हुआ है, चेंज आया है। और चेंज के बाद हमने उनको पक्की छत दी है, हमने उनको पक्की रूफ भी दी है, हमने गरीबों को पक्की रूफ भी दी है। और एक डेटा है हमारे पास, इन्होंने कहा है कि हमने क्या किया है, हमने क्या किया है, हमने जो गरीब है उनको क्या किया है, पक्का रूफ दिया है, पक्की छत दी है, ठीक है। और सिंस 2014 के बाद, ये तो इंडिविजुअल सरकार की बात हो गई, 2014 के बाद अराउंड 2,40,00,000 हमने घर बनाए हैं। 2014 के बाद हमने 2,40,00,000 घर बनाए हैं, वो सिटीज में भी है और विलेजेस में है, विलेजेस में भी है, ठीक है। तो हमने गरीबों को पक्की रूफ देने का वादा किया था और 2014 से लेकर अभी तक हमने 2,40,00,000 घर बनाए हैं, ठीक है। एक हमारा है जल जीवन मिशन, जिसमें हम हर घर में टैप वाटर प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, ये सेंट्रल स्कीम है। अभी तक क्या हुआ है, 3.5 लाख रूरल हाउसेस को हमने पाइप वाटर जो है ड्रिंकिंग के लिए दिया है विद इन 18 मंथ्स ऑफ द लॉन्च। 18 महीने के अंदर हमने 3.5 लाख घरों को जो है किससे जोड़ा है, हमने उनको दिया है क्या, हमने उनको दिया है टैप वाटर। इसके अलावा एक पॉइंट यहाँ मिसिंग है, इन्होंने बात की, अब बीच में एक न्यूज थी करंट अफेयर की कि कुछ 6 सिटीज हैं, कोई 6 सिटीज हैं जहां पर हम आधुनिक टेक्नोलॉजी की मदद से जो है घर बना रहे हैं, ठीक है। वो 6 सिटीज कौन सी है आप पता करेंगे, कुछ 6 सिटीज हैं जहां पर हम आधुनिक टेक्नोलॉजी की मदद से जो है घर बनाने की अभियान को जारी रख रहे हैं। इससे क्या होगा, घर बनाना बहुत जल्दी और एफिशिएंट वे में हो जाएगा, ठीक है। तो आधुनिक टेक्नोलॉजी से, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से हम 6 सिटीज में जो है एक पायलट प्रोजेक्ट जो है हमने शुरू कर दिया है, जिसमें हम मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहे हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा है, हमने भारत नेट स्कीम यूज की है फॉर इंटरनेट कनेक्टिविटी इन विलेजेस। तो जितने भी रिमोट इलाके हैं उनको हम ब्रॉडबैंड के थ्रू जो है जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि हर घर तक जो है नेट इंटरनेट पहुंच पाए और लोग जो है और ज्यादा जागरूक हो पाए, ठीक है। इसके अलावा और क्या बात की है इन्होंने सर, इसके अलावा इन्होंने एक और बात की थी, वो बात क्या थी, मुझे एक स्लाइड खोलनी पड़ेगी, वो बात क्या थी, वो बात ये थी, इन्होंने कहा हमने देखा कि पानी की कमी है, वाटर स्कार्सिटी होती है, ठीक है, एंड वाटर से बहुत सारी डिजीज होती है, वाटर स्कार्सिटी भी है और वाटर से डिजीज भी होती है, ठीक है। इसके लिए हमने अभी पढ़ा, हमने क्या किया, हमने जो वाटर स्कार्सिटी को कम करने के लिए हमने 3.5 लाख हाउसेस को जो है 18 महीने में पानी प्रोवाइड किया है टैप वाटर, उसे हम कहते हैं जल जीवन मिशन। और अगर लोगों को साफ पानी मिलेगा तो वाटर से होने वाली डिजीज भी जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया सर, इसके अलावा दूसरा क्या है सर, अब इन्होंने कहा जो इस साल का बजट था, और ये मानने वाली बात है सर, इसको मैं एग्री करता हूं, जो इस साल का बजट है ना सर, उसका बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है, जो इस साल का बजट है उसका बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है। पॉजिटिव रिस्पॉन्स कैसे आया है ये देख लेते हैं, इससे हमें ना मूड ऑफ द नेशन पता लगा है, इससे हमें मूड ऑफ द नेशन पता लग गया है, सिंस रिस्पॉन्स जो आया है वो क्या आया है, पॉजिटिव आया है, ठीक है। इसका मतलब ये है नेशन वॉन्ट्स टू ग्रो, अर्णब गोस्वामी जी कहते हैं नेशन वॉन्ट्स टू नो, मोदी जी कहते हैं नेशन वॉन्ट्स टू ग्रो, नेशन जो है ग्रो करना चाहता है, टाइम बिल्कुल नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। और यूथ जो है, यूथ भी हमारा जो है वो पॉजिटिव मोड में है। अब देखिए इन्होंने कहा पॉजिटिव रिस्पॉन्स है इस ईयर के बजट में, चाहे आप स्टॉक मार्केट को ले लीजिए तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव मूड है इन्वेस्टर्स के बीच में। अब कंट्री ने अपना मन बना लिया है दैट इट वॉन्ट टू मूव फास्ट एंड डज नॉट वॉन्ट टू वेस्ट टाइम, इट wants टू ग्रो does not wants टू वेस्ट टाइम, ठीक है। और प्राइवेट सेक्टर जो है वो इतना आगे आ रहा है, इज कमिंग फॉरवर्ड विद मोर एंथुसिएज्म, प्राइवेट सेक्टर जो है इतना मतलब इच्छुक होके आगे आ रहा है हमारे देश की डेवलपमेंट जर्नी के साथ देने के लिए। अब एग्री करते हैं कि प्राइवेट सेक्टर आगे बढ़ चढ़ के जो है पार्टिसिपेट कर रहा है, और एज अ गवर्नमेंट हमें इस बार को जो है ऑनर करना चाहिए और हमें जो है उन्हें और ज्यादा जो है अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, जो अल्टीमेटली क्या होगा, आत्मनिर्भर भारत का जो कंपेन है उसमें फायदा पहुंचाएगा। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जो है अगर इंडिया में
प्राइवेट सेक्टर आगे आएगा तो उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं हमारा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बढ़ेगी और रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है वो भी बढ़ेगा। तो इस बार बजट को देख के ये लगा है कि नेशन जो हमारा देश है बहुत पॉजिटिव मूड में है, ठीक है, आगे बढ़ना चाहता है, बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता है, प्राइवेट सेक्टर जो है बढ़ चढ़ के आगे आ रहा है और एज अ गवर्नमेंट एज अ रूलिंग पार्टी हमें जो है इस बात को जो है रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उन्हें जो है आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी जो है देनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे जो कंपेन है आत्मनिर्भर भारत उसमें फायदा पहुंचाएगा, ठीक है। चलिए इसके अलावा ना इन्होंने एक बात कही है, जो ये आत्मनिर्भर भारत है, ये आत्मनिर्भर भारत का मतलब क्या है, ये आत्मनिर्भर भारत का मतलब ये है कि हर आदमी, इसका मतलब है हर आदमी, हर संस्था, हर एक कंपनी, हर आदमी, हर संस्था, हर एक कंपनी अपनी पूरी कैपेसिटी से आगे बढ़े, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आत्मनिर्भर भारत में जो है भारत अपने लिए ही प्रोडक्शन करे, ऐसा नहीं है कि आत्मनिर्भर भारत में सिर्फ भारत अपने लिए ही प्रोडक्शन करे, नॉट ओनली फॉर इट्स ओन नीड्स, बट हम पूरे वर्ल्ड के लिए जो है प्रोडक्शन करना चाहते हैं, हम पूरे वर्ल्ड के लिए हमें प्रोडक्शन करना है, वो भी क्या गुड क्वालिटी का, वो भी क्या गुड क्वालिटी का। और जैसा कि मोदी जी हमेशा कहते हैं, जीरो डिफेक्ट जीरो अफेक्ट, ठीक है। तो इन्होंने कहा आत्मनिर्भर भारत का मतलब यह है कि हर एक आदमी, हर एक संस्था, हर एक कंपनी अपनी पूरी क्षमता से जो है आगे बढ़े, और इंडिया जो है सिर्फ ऐसा नहीं है कि अपने लिए प्रोड्यूस करे, इंडिया अपने अलावा इस पूरे वर्ल्ड की जो नीड्स है उसके लिए भी प्रोड्यूस करे और अच्छा प्रोड्यूस करे, डिपेंडेबल होना चाहिए, क्रेडिबल होना चाहिए। और इसमें हम एक लाइन कहते हैं जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट, ठीक है। फिर इन्होंने और क्या कहा है, हमें जो है मॉडर्न इंफ्रा में ध्यान देना पड़ेगा, जो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है हमें इसमें ध्यान देना पड़ेगा, और जो मॉडर्न इनोवेशन है, मोर टेक्नोलॉजी जो है, इनोवेशन जो है उसको हमें बढ़ाना है और मॉडर्न टेक्नोलॉजी में हमें ध्यान देना है, ठीक है। तो मॉडर्न इंफ्रा, इंक्रीज इन इनोवेशन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इनकी इन्होंने बात की है, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने क्या कहा है, जो हमारे एमएसएमई है ना इनको हमें स्ट्रेंथन करना है, जो हमारे एमएसएमई है इसको हमें स्ट्रेंथन करना है, और जो स्टार्टअप्स हैं इनको हमें स्ट्रेंथन करना है। इनकी बात आप समझिए, देखिए ये एक राज्य है, ये एक राज्य है ए, ये एक राज्य है बी, हर राज्य की अपनी खूबी है, हर राज्य की जो है अपनी खूबी है, चाहे वो सिटी लेवल पे हो, चाहे वो जिला लेवल पे हो, चाहे वो ग्रामीण लेवल पे हो, तो हर राज्य की अपनी खूबी है। उन राज्य के उस एक प्रोडक्ट को, उस राज्य को अपने उस प्रोडक्ट को जो है आइडेंटिफाई करना चाहिए, उस राज्य ने अपने उस प्रोडक्ट को जो कि क्षमता रखता है एक्सपोर्ट होने की, क्योंकि हर राज्य की खुशी, हर राज्य की जो है एक कह सकते हैं एक खूबी है, और राज्य को अपने राज्य में उस प्रोडक्ट को जो है आइडेंटिफाई करना है, चाहे वो जिले में हो, चाहे वो ग्रामीण लेवल पे हो, उसको आइडेंटिफाई करना है और उसको प्रमोट करना है एक्सपोर्ट के लिए, समझ में आ रहा है। अब समझिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट है और ये एक राज्य है, ये एक राज्य है जिसमें अनेक अनेक सिटीज हैं, और इस सिटी के अंदर भी, ये सिटी है, इस सिटी के अंदर भी एक कोने में एक आदमी जो है अच्छा शिल्पकार है, मतलब वो अच्छा आर्टिशन है, मान लेते हैं अच्छा आर्टिशन है, वो घड़े बड़े मूर्ति वूर्ति बहुत अच्छी बनाता है, यहां पर ही आदमी है। अब सेंटर में बैठी हुई गवर्नमेंट, क्या उसे कभी इस आदमी के बारे में पता लग पाएगा कि आदमी के अंदर क्या टैलेंट है? नहीं, इस आदमी के अंदर क्या टैलेंट है वो ये स्टेट को पता लग सकता है, और ये स्टेट को ही पता कब लगेगा, जब स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फेडरलिज्म होगा, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होगा, संघवाद होगा। तो जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज हैं आगे स्टेट को बताएंगी कि हमारे वहां एक आदमी है जिसके अंदर ये टैलेंट है, तो हमें उस टैलेंट को जो है आगे बढ़ाना चाहिए, और जिससे कि हमारे स्टेट्स का एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ सकता है। तो स्टेट क्या करेगी, स्टेट उस आदमी को सपोर्ट देगी, उस सपोर्ट से वो आदमी जो है अपना प्रोडक्शन जो है बढ़ाएगा और इम्प्रूव करेगा, जिससे क्या होगा उस जो उसका प्रोडक्ट है उसको एक्सपोर्ट होने में हम प्रमोट करेंगे। तो मोदी जी हर स्टेट से यही कह रहे हैं कि अपने अंदर जो है झांकिए, आपके हर एक के अंदर एक खूबी है, उस खूबी को पहचानिए और जो है उसको प्रमोट कीजिए एक्सपोर्ट करने के लिए। इससे क्या होगा ना, एक हेल्दी कॉम्पिटिशन होगा, इससे क्या होगा एक हेल्दी कॉम्पिटिशन होगा इसके बीच में, स्टेट्स के बीच में एक हेल्दी कंपटीशन होगा स्टेट्स के बीच में, या आप कह सकते हैं एक फेयर कंपटीशन होगा स्टेट्स के बीच में। ऐसी अगर स्टेट्स के बीच में कंपटीशन होगा तो ये जो जिले हैं, जो स्टेट्स के अंदर जिले हैं, तो जिले और स्टेट में जो है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होना चाहिए, तो स्टेट और जिले में जो है संघवाद होना चाहिए। तो
जैसे जैसे स्टेट्स में कंपटीशन आएगा तो जिलों में भी जो है कंपटीशन आना शुरू हो जाएगा। समझ में आया? आई होप आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने यही कहा है कि हमें ब्लॉक वाइज जो है मेक फुल यूज ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ द स्टेट्स एंड इंक्रीज द एक्सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट। ये वही बात है, हमें ब्लॉक वाइज जो है एक्सपोर्ट जो है बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, आगे आते हैं। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो है वो लॉन्च की है फॉर वेरियस सेक्टर्स प्रोवाइडिंग एन एक्सलेंट अपॉर्चुनिटी टू इंक्रीज मैन्युफैक्चरिंग इन द कंट्री, राइट। और स्टेट को क्या करना चाहिए, इसका फुल एडवांटेज लेना चाहिए। ये कहना चाह रहे हैं जो हमारी ये पीएलआई स्कीम है इसका स्टेट्स को फुल एडवांटेज लेना चाहिए स्कीम का, एंड इससे क्या करना चाहिए, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो खींचना चाहिए कहां पर, अपनी तरफ। जो ये पीएलआई स्कीम है इसका फायदा लेके स्टेट्स को जो है अपनी तरफ मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो खींचना चाहिए अपनी तरफ। इसके अलावा कॉर्पोरेट टैक्स कम हो गए हैं, इससे भी जो है स्टेट्स को बेनिफिट होगा, सिंस जो बाहर बैठी कंट्री हैं जिनको एक मार्केट चाहिए और इंडिया से अच्छा मार्केट उनके पास हो नहीं सकता है, लेकिन वो हमेशा इंडिया में आने से डरती इसलिए थी क्योंकि इंडिया में कॉर्पोरेट टैक्स जो है बहुत ज्यादा थे। लेकिन अभी बजट में क्या हुआ है, कॉर्पोरेट टैक्स को जो है कम किया है, जिससे क्या होगा, हमारे देश में एफडीआई आने को बेकरार है या आना जो है इंक्रीज होगा। ठीक है, इसके अलावा क्या है सर, इसके अलावा हम क्या बात कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में भी जो है हमने फंड दिया है इस बार बजट में, अच्छा इंफ्रा में जो अच्छा फंड हमने दिया है। ठीक है, और जो 15 फाइनेंस कमीशन के उसमें क्या किया है हमने, लोकल जो लोकल गवर्नेंस है उसमें भी रिफॉर्म करने की बात की है। इस बार के बजट में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छा फंड दिया है, और प्लस जो फाइनेंस कमीशन आई है, 15 फाइनेंस कमीशन की जो रिपोर्ट आई है उसमें हमने जो लोकल गवर्नमेंट है उसमें रिफॉर्म करने की बात भी की है। ठीक है, इसके अलावा हमने क्या किया है, अब बात करते हैं कुछ एग्रीकल्चर की। जब मोदी जी ने एग्रीकल्चर की बात की तो मोदी जी ने एग्रीकल्चर में जो 3 फार्म लॉस थे उनकी बात नहीं की। मोदी जी ने एग्रीकल्चर की बात करते हुए ये कहा कि हम एक एग्रेरियन इकोनॉमी है, हमारी इकोनॉमी जो है वो ड्राइव करती है किससे, एग्रीकल्चर से। हमारे देश में बहुत सारे किसान हैं, फिर भी हम लगभग 65,000 करोड़ का, हम लगभग रुपीज 65,000 करोड़ का जो है एडिबल ऑयल, जो ऑयल हम खाते हैं हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। 65,000 करोड़ का जो एडिबल ऑयल है वो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, जो कि हमें ये पैसा जो कि है हमारे फार्मर्स की पॉकेट में जाना चाहिए था, ये पैसा जो है हमारे फार्मर्स की पॉकेट में जाना चाहिए, लेकिन इतने का हम जो है ऑयल बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। सिमिलरली क्या है, बहुत सारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जो कंट्री में बन सकते हैं या कंट्री में प्रोड्यूस ही नहीं, हम बाहर सप्लाई भी कर सकते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट जो है ऐसे हैं जो हम कंट्री में बना सकते हैं और हम बाहर विदेशों में उसे सप्लाई भी कर सकते हैं। इसके लिए मोदी जी ने स्टेट से रिक्वेस्ट की कि आप जो है एक रीजनल प्लानिंग स्ट्रेटेजी बनाइए अपने स्टेट्स में, जो कि एग्रीकल्चर एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस को देख के हो, मतलब जिस स्टेट की जैसी क्लाइमेटिक कंडीशंस है उसको देख के वहां पर एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाई जाए, एक होलिस्टिक अप्रोच अपनानी चाहिए, जिससे कि हम अल्टीमेटली जो एग्रीकल्चर है उसका आउटपुट बढ़ा पाए, और हम यही नहीं कि अपनी कंट्री के लिए प्रोड्यूस करें, हम बाहर भी प्रोड्यूस करें। तो हर स्टेट में क्या है कि अलग अलग क्लाइमेट होता है, तो क्लाइमेट को देख के हमें जो है एग्रीकल्चर को प्लान करना चाहिए और हमें जो लोगों की जो है मदद करनी चाहिए। ये हमने देखा है कि हमारी कृषि इतनी अच्छी है कि कोरोना के टाइम पे भी हमारी कृषि में जो है वो बढ़ोतरी हुई थी। ठीक है, द कंट्री एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स हैव इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली इवन ड्यूरिंग द कोरोना एरा, सो वी हैव द पोटेंशियल, बस फर्क यह है हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा कुछ बातें और कही थी मोदी जी ने, वो क्या कही थी, इंडिया क्या करता है ना, समझिए इंडिया क्या करता है, इंडिया साउथ ईस्ट एशिया में, इंडिया साउथ ईस्ट एशिया में जो है वो क्या करता है, वो एक्सपोर्ट करता है। एंड देन साउथ एशिया जो है इसे सेल करता है या एक्सपोर्ट करता है पूरे वर्ल्ड में, लेकिन क्या करता है वो इसको प्रोसेस कर देता है। ठीक है, इसका जो मतलब ये रॉ फिश थी इसको प्रोसेस किया और कुछ अच्छा प्रोडक्ट जो है बना दिया और आगे सेल कर दिया। तो क्यों ना इंडिया ऐसा करे, तो ये कह रहे हैं क्यों ना इंडिया ऐसा करे कि इंडिया डायरेक्ट सेल करे मार्केट में और जो रॉ फिश है इसको हम प्रोसेस खुद ही कर लें, इतना पोटेंशियल हमारे पास है। इससे क्या होगा, जो भी कोस्टल स्टेट्स हैं उनकी इकोनॉमी जो है बूम कर सकती है।
इन्होंने कहा है जितने भी कोस्टल स्टेट्स हैं उनकी इकोनॉमी जो है बूम कर सकती है, क्योंकि अगर हम जो हमारे फिशेज हैं उनको रॉ फिशेज के बजाय हम फिशेज को जो है प्रोसेस करें, उनका अच्छा प्रोडक्ट बनाएं और उसे डायरेक्ट जो है मार्केट में सेल करें, तो हमें अच्छा फायदा हो सकता है इससे। और अभी हम क्या करते हैं, हम रॉ फिश जो है साउथ ईस्ट एशिया में सप्लाई करते हैं, वो उसको प्रोसेस करती है और अपना प्रॉफिट कमा के आगे बेच देती है। तो हमें डायरेक्ट जो है फिश को प्रोसेस करना चाहिए और आगे बेचना चाहिए, ठीक है, ये एक बात हो गई। इसके अलावा कुछ आखिरी अपनी पंक्तियों में इन्होंने ये भी कहा था, ठीक है, इन्होंने अपनी आखिरी पंक्तियों में ये कहा है कि हमें ना जो रेगुलेशंस है, हमें जो रेगुलेशंस है वो कम करने चाहिए और दखल अंदाजी जो कहते हैं कंप्लायंस जो है वो भी कम करने चाहिए। इसका मतलब क्या है बताता हूं, दो वर्ड की इन्होंने बात की है, इन्होंने कहा है ईज ऑफ लिविंग और दूसरा इन्होंने कहा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है। इन्होंने कहा है जो ये ईज ऑफ लिविंग है ये हम बात करते हैं किसके लिए, अपने इंडियंस के लिए, इंडियंस के लिए हमें ईज ऑफ लिविंग जो है इजी करना होगा, कंप्लायंस कम करने पड़ेंगे, रेगुलेशंस कम करना पड़ेगा और अल्टीमेटली जो ईज ऑफ लिविंग है हमें कम करनी पड़ेगी। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन्होंने किसके लिए कहा है, इन्होंने ये कहा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है जो बाहर से कंपनीज आ रही हैं या जो कंपनी डोमेस्टिक कंपनीज हैं, कंपनी की बात कर रहे हैं, कंपनी के लिए हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो आसान करना होगा, कहीं ना कहीं कंप्लायंस और रेगुलेशंस को हमें कम करना होगा, ठीक है। इसके अलावा हाल ही के दिनों में कुछ सरकार ने कोई अच्छी चीजें की हैं, जैसे आप जानते हैं कि जियो स्पेशल डेटा को हमने क्या किया है, लिबरलाइज कर दिया है, ठीक है, ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, ठीक है। इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं क्या होगा कि हम लोग जो है सरकार की प्रायर परमिशन नहीं चाहिए होगी कहीं पर ही सर्वे करने के लिए या कोई मैप देखने के लिए, तो जियो स्पेशल डेटा जो है उसको लिबरलाइज किया गया है, इसके बारे में कभी और बात करेंगे। इसके अलावा हमने क्या किया है, यूथ के लिए हमने जो है ओएसपी, जो हमारा ओएसपी है, ठीक है, उसमें क्या किया है, रिफॉर्म किए हैं। ओएसपी क्या है, इससे प्राइवेट सेक्टर को या कॉल सेंटर्स को जो है उनका जो गवर्नमेंट कंप्लायंस है वो कम हो गया है, उनको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ता। तो ये दो तीन चीजें जो है सरकार ने कुछ हाल ही के दिनों में की है और इससे क्या है, अल्टीमेटली हम इन्वेस्टमेंट या हम एम्प्लॉयमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में कभी और क्लास लेंगे, अभी ये मेरा मुद्दा नहीं है, अभी सिर्फ एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं मैं आपको कि जियो स्पेशल स्पेशल डेटा जो है लिबरलाइज किया है सरकार ने हाल ही के दिनों में और ओएसपी रिफॉर्म किए हैं जिससे कि प्राइवेट सेक्टर के लिए जो है बहुत आसानी हो गई है, ठीक है। तो ये सब मोदी जी ने कहा और अल्टीमेटली उनकी आखिरी बात यही थी कि हमें ईज ऑफ लिविंग बिजनेस जो है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमें करना है कंपनीज के लिए और वेर इन हमें ईज ऑफ लिविंग करना है इंडियंस के लिए, ठीक है। तो ये पूरा था मोदी जी की स्पीच में क्या कहा था। तो हमने मैन्युफैक्चरिंग की बात कर ली सर, हमने एग्रीकल्चर की बात की सर इसमें, हमने फिजिकल इंफ्रा की सर इसमें बात की है, हमने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात की है, हमने ग्रास रूट लेवल की बात की है, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात की है, जिला लेवल की बात की है और हमने हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की बात की है, ठीक है। तो जैसा मोदी जी ने स्पीच दी, मैं पूरी स्पीच आपके सामने लाया सर, स्पीच में मुश्किल से मैंने कुछ नहीं छोड़ा होगा, अगर 100% मोदी जी ने स्पीच दी थी तो उसका 95% प्लस मैं आपके सामने लेके आया हूं, ठीक है। नो वन इज परफेक्ट सर, 95 प्लस मैं आपके सामने लेके आया हूं और जो मैंने आपको बताया सर अभी मोदी जी की स्पीच के बारे में, आई गेस अभी ये आपको इतना पूरा कोई यूट्यूब में नहीं बताएगा, ठीक है। तो चलिए सर अभी के लिए इतना ही, ये मोदी जी की जो मीटिंग थी 6 गवर्निंग काउंसिल की जो मीटिंग थी नीति आयोग की जो कि मोदी जी ने हेड की थी, उसमें वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उसमें ये सब मोदी जी ने बातें की थी और सिंस जो प्रधानमंत्री जैसा कुछ बोलता है तो वो आपके लिए ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलिए सर स्टे ट्यून्ड, दैट्स इट फॉर टुडे, अभी एक सेशन हम हिंदू का लेके आएंगे और बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ये मेरा चैनल है मनाली मेड इजी, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्लीज अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियो मैं आपके साथ में लेके आता रहूं तो उसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए, ठीक है। अंटिल देन गुड बाय, गुड नाइट, टेक केयर।